الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهل الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين صبر کے مولا کے سلامتی کی دعا اللهم كل ولي حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل وليان وحافظا وغائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين صلوات پڑھے محمد والے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُلُ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي أما بعد فقط قال سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صلوات پڑھے محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی مقصد حیات کی خاطر ان مجلسوں میں آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے ایکو تھوڑا کم کر دیں کہ انسان کائنات میں بھیجا گیا ایک مقصد کے لیے ہم عالم نور سے عالم پائین میں عالم ادنا میں دنیا پست کو کہتے ہیں دنی پسترین عالم یعنی اگر خدا کے ہزار عوالم ہوں ان عوالم میں سب سے پسترین اگر کوئی عالم ہے تو وہ دنیا ہے جہاں سے ہم آئے اس عالم کو کہتے تھے عالم وحدت اور جہاں پہ ہم آئے ہیں اس عالم کو کہتے ہیں عالم
कसरत। वहदत कुल हुवल्लाहु अहद, वहदानियत यानी सिर्फ खुदा, तवज्जो फोकस मरकज़ परवरदिगार, ये आलम कसरत है। कसरत का मतलब बे इंतहा वैरायटी, बे इंतहा चीज़ें। अभी मैं देख रहा हूँ हर चीज़ मुझे अपनी तरफ खींच रही है, मजमे में जवान बूढ़े मतलब इंसान खींच रहे हैं, कुर्सियाँ पंखे कैमरे लाउट दरख्त बल्ब आसमां सितारे चांद सूरज, फिर मार्केट के अंदर चले जाओ मॉल्स के अंदर चले जाओ, हज़ारों चीज़ें आपको अपनी तरफ खींचती हैं। तभी बोलते हैं आलम आलम कसरत है। एक वजह मासूमीन अलैहिस्सलातो वसलाम की दुआओं की ये भी है कि अक्सर लगे थे मासूम किस बात पे रोते थे, मासूम किस बात पे तौबा करते थे, मासूम तो गुनाह नहीं करते। और अफा फरमाते हैं इस कसरत की वजह से, क्योंकि मासूम ये भी बर्दाश्त नहीं करता कि एक लम्हे के लिए उसकी तवज्जो खुदा से हट जाए। यही कि अली इब्न अबी तालिब किसी से बात कर रहे हैं, यही कि अली की तवज्जो किसी मसलन दरख की तरफ है इंसान, क्योंकि वाकई नहीं आलम आलम क्या है, आलम कसरत है। एतकाफ का फलसफा क्या है, कसरतों से निकलकर वहदत के अंदर आओ। और हमारे यहां बाज़ औक़ात रूह एतकाफ ही खत्म कर देते हैं। अब कहते एतकाफ में एतकाफ वाले एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, भाई एतकाफ का मकसद यह है कि वहां पर दुनिया की कोई भी बात ना हो। हाँ कोई ज़रूरी बात है आप उससे कर सकते हो, कोई ऐसी पानी चाहिए हो बंदे पे गुसल वाजिब हो गया, कोई तौलिया मंगवाना हो, कोई साबुन मंगवाना हो, कोई ऐसी ज़रूरी बात हो। एतकाफ का मतलब यही है कि बंदा कहाँ पर आए, कसरतों से निकलकर वहदतों में आए। जितने भी औलिया अल्लाह की कबूर पे आप जाते हैं उसके साथ साथ चिल्लेगा होती है 40-40 दिन। खुद गार हिरा का फलसफा क्या है, वअदना मूसा 30 लैला वतममनाहा बिआशर, 40 दिन हजरत मूसा को क्यों बुलाया जा रहा है, हजरत रसूल को क्यों बुलाया जा रहा है, इस एतकाफ का फलसफा क्या है, ताकि तू कसरतों से निकलकर वहदत की तरफ आए। अब इस वहदत का सफर वही कर सकता है जो बंदा साहिब अक्ल हो। अब ये जो आप मासूम का कलाम सुनते हैं कि खुदा ने अक्ल को खल किया, फिर अक्ल के 75 सिपाहियों को खल किया, फिर जहालत को खल किया, फिर जहालत के 75 सिपाहियों को खल किया, खिलकत जहल ऑटोमेटिक है। यानी यह नहीं कि खुदा ने अलग से जहालत को बनाया। इसकी मिसाल आपको इस तरह दूं, जब खुदा ने सूरज बना दिया तो सूरज के साथ ऑटोमेटिकली साया भी बनेगा, जब रोशनी बन गई तो अंधेरा खुद बन जाएगा। तो खुदा ने दरअसल अक्ल बनाया। अब जो भी अक्ल की मुखालिफत करेगा वो क्या बनेगा, जहल बनेगा। हर इंसान की फितरत में सच्चाई है, सच नहीं बोलेगा तो ऑटोमेटिकली झूठ हो जाएगा। सूरज की रोशनी आ रही है, आप रोशनी के सामने रुकोगे तो साथ में क्या बन जाएगा, साया बन जाएगा। तो वो चाहे कोई भी हो, आज जो दुश्मन अली बना या दुश्मन अहलबैत बना, पर मैं अक्ल कुल अहलबैत हैं। अब जो हुसैन के मुकाबले में आ रहा है, अली इब्न अबी तालिब के मुकाबले में आ रहा है, जो जो इनके मुकाबले में आता जाएगा वो जहल बनता जाएगा, और जो जहल बनेगा वो ऑटोमेटिकली जहन्नुमी बन जाएगा। औलिया उत्तागूत युखरुजूनहुम मिनन नूर इलज़ुलमात, इनको नूर की महफिल से निकाल कर जुर्मतों में लाते हैं। पूरी कोशिश औलिया तागूत की यह है कि पूरा जोर लगा दिया कि दुनिया अहल बैत के पीछे न लगे, दुनिया अंबिया के पीछे न लगे। कत्ल अंबिया 950 साल हजरत नूह ने तबलीग की है, भाई कम तो नहीं है। अपनी बीवी अपना बेटा दुश्मन बन चुका है, क्यों, क्योंकि वो अक्ल के लश्कर और अक्ल के सिपाहियों का साथ नहीं दे रहे थे, जहालत के सिपाहियों का साथ दे रहे थे। तो ये जो जहालत के सिपाही बनते हैं ये इंसान खुद बनाता है। जब आपको पता है एक काम बुरा है आप फिर भी उस काम को अंजाम देते हो, तो फिर वो जुमला दुआए कुमेल का आता है कि जलम तो नफसी व तजर्रतो बिजहली, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया क्योंकि मैं क्या था, मैं जाहिल था। जब आप खिलाफ अक्ल चलते हो तो आप दुश्मन खुदा भी बन जाते हो, दुश्मन अहले बैत भी बन जाते। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
कल हमने अर्ज किया कि खुदा ने अक्ल को किस चीज से बनाया, अपने नूर से बनाया। और कुरान में खुदा ने क्या कहा कि अल्लाह नूर समावात वल अर्ज, अल्लाह की मिसाल किस तरह है, जमीन आसमान अल्लाह के नूर हैं, उसकी मिसाल का मिशकात, मिशकात सबने बताया अहले बैत हैं। फिर मासूम फरमाते हैं कि फिर परवरदिगार आलम ने जअल लिल अक्ल खमसतुम व सबईन जुंदा, अल्लाह ने फिर अक्ल के लिए 75 सिपाही बनाए। फलम्मा रअ जहल मा अकरम अल्लाह फमा अता इज मुर्र लहुल अदावह, जब जहल ने यह देखा कि खुदा ने अक्ल को कितनी करामत अता की है, मुर्र लहुल अदावह, उसकी करामत को देखकर जहल के अंदर अदावत पैदा हो गई। अब ये एक पूरा सिनेरियो है जो परवर मासूम अपनी हदीस में बता रहे हैं, और खुदा हदीस मासूम को कुरान में क्या अता कर रहा है, तस्वीर दे रहा है। अब उसमें तस्वीर पर भी आता हूं। अल्लाह ने फरिश्तों को कहा कि आदम को क्या करो, सजदा करो। जैसे शैतान यानी इबलीस ने देखा कि खुदा ने अक्ल को, आदम को शराफत अता की, करामत अता की, तो उसके दिल में क्या आ गया, अदावत आदम आ गई। जब देखा आदम को इतनी करामत मिली तो फौरन उसके दिल में क्या आ गई, नफरत आ गई, और किसके सामने खड़ा हो गया, परवरदिगार आलम के सामने। अब यहां पे परवरदिगार आलम कह रहे आदम को सजदा कर, इबलीस क्या कह रहा है, इबलीस खुदा को तौहीद का दर्स दे रहा है, नहीं तुझे सजदा करूंगा, आदम को सजदा थोड़ी करूंगा, सजदा तेरे लिए है आदम के लिए नहीं है। परवरदिगार आलम कहता या अय्युहल्लज़ीन आमनु इत्तक़ू इलैहिल वसीला, ऐ मेरे साहिबान ईमान अगर मेरी दरबार में आना है वसीला बना कर आओ। वाबी कहते नहीं खुदा, या वसीला गुना शिर्क है। इबलीस खुदा को तौहीद सिखा रहा था, सजदा सिर्फ तुझे करूंगा, आदम को नहीं करूंगा। अल्लाह ने कहा मैं कह रहा हूं इसे सजदा कर, कर नहीं कतअन में सजदा नहीं करूंगा। अबा वस्तकबर, उसने क्या किया, तकब्बुर किया, हुक्म खुदा के सामने जहालत क्या हो गई, खड़ी हो गई। मैं इसकी मिसाल लोगों को इस तरह देता हूं कि नबी खुदा फरमाते इन्नमा अना उरीद अन अबुद मिन हैसु उरीद ला मिन हैसु तुरीद। अल्लाह कहता है कि ए इबलीस मैं जिस तरह चाहता हूं उस तरह मेरी इबादत कर, जिस तरह तू चाहता है उस तरह मैं अपनी इबादत करवाना नहीं चाहता। आज हर मुफ्ती हर मौलवी ये बोलता है कि जिस तरह मैं इबादत कर रहा हूं वही हक है, जिस तरह मैं अल्लाह को मान रहा हूं वही हक है। कोई ये नहीं देख रहा कि खुदा खुद को मनवाना कैसे चाह रहा है, खुदा अपनी इबादत कैसे करवाना चाह रहा है। मिसाल दूं ताकि जवानों के जहन में आ जाए। आप तसव्वुर कीजिए एक टीचर है और उसने क्लासरूम में अपने सारे शागिर्दों को बिठाया है। अब मसलन ये जो स्कूल है DHA में, डिफेंस में कोई पोश एरिया है, कोई हाई स्टैंडर्ड सोसाइटी के अंदर एक स्कूल है, बड़ा मॉडर्न स्कूल है, और टीचर ने बोर्ड लगाया हुआ है, मैथ की क्लास चल रही है। अब तस्वुर कीजिए टीचर मसलन खुदा है, शागिर्द सारे फरिश्ते हैं। अब खुदा ने इस क्लास में एक दूसरा बंदा जो DHA का नहीं है, मसलन थोड़ा निचली सोसाइटी का है, अंचोली का है, न्यू रिजविया का है, हाँ मिडिल क्लास बंदा है, उसको खुदा ने क्लास में लाके बिठा दिया। अब ये जितने हाई प्रोफाइल बच्चे हैं एतराज करने लगे, ये किसको लाके आपने बिठा दिया हमारे साथ, हाँ हम तो आला, हम तो बड़े, हमारे चेहरे खूबसूरत सफेद सफेद, ये कौन सा बच्चा बीच में लाके बिठा दिया। खुदा ने कहा नहीं बड़ा काबिल बच्चा है। कहा नहीं नहीं किसको बिठाया आपने साथ? सारे एतराज करने लगे। फिर खुदा ने बोर्ड पे मैथ का मुश्किल तरीन मसला लिखा, कहा अब सारे हल करो, सॉल्व करो इस मैथमेटिक फॉर्मूले को। सारे दंग रह गए, परेशान रह गए, मसला हल ही नहीं हो रहा। ये बच्चा जो खुदा ने बुलाया था इसने मसला हल कर दिया। हाँ अंबियूनी बे अस्माए हाउला इन कुंतुम तालमून, बताओ मुझे अगर तुम इतने काबिल हो। कालू रब्बना ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, खुदाया हमें तो कुछ भी नहीं आता। फिर आदम को कहा अंबियूहुम बे अस्माए हाउला,
आदम मसला बता इनको। ये बच्चा उठा और उसने तीन चार तरकीबों से मसला हल करके बता दिया। सब उसकी काबिलियत मान गए। खुदा ने कहा अब इसको शाबाश बोलो, अभी अभी आया है और इतना मुश्किल तरीन मसला हल कर दिया, तो लिहाजा शाबाश का मुस्ताहिक है, शाबाशी दो इस बच्चे की। शाबाशी क्या है? किसे सजदा करो। एक खड़ा हो गया, कर नहीं, मसला आता है तो आए। खुदा ने कहा इसने मसला हल किया है तो क्यों इसकी तारीफ क्यों नहीं करता? कर नहीं करूंगा। अल्लाह ने कहा क्यों नहीं करेगा, जवाब तो दे। अब ये गलत सलत बातें करने लगा, खलक तनी मिन नार व खलक तहू मिन तीन, मुझे आग से बनाया उसे मिट्टी से बनाया। अल्लाह ने कहा ये कोई दलील है? मैंने तुझे आग से बनाया। अच्छा ये बता, अगर तुझे आग से बनाया उसे मिट्टी से बनाया, आग अफजल है? अरे तू तो नारी था, फिर मैंने तुझे नूरियों में क्यों बिठाया? फिर मैं तुझे भी निकाल देता ना फरिश्तों की महफिल से। जब तुझे लाके यहां बिठा सकता हूं तो आदम को भी सजदा करा सकता हूं ना। तो जंगे जहल और जंगे अकल वहीं से शुरू हो गई कि अकल को कहा अदबिर चली जा, इकबिल आगे आ जा। मलाइकतुल्लाह क्या थे? अकल इलाही का मजहर है ना। अल्लाह ने कहा सजदा कर, फसजदू, तमाम तर मलाइकों ने क्या किया? आदम को सजदा किया। इल्ला इबलीस, सिर्फ अबावस्तकबर, उसने क्या किया? तकबर किया। तभी मासूम फरमाते खुदा दिन में कहता है पांच मरतबा मेरी दरबार में आकर झुक और नमाज पढ़। मौला नमाज का फलसफा क्या है? का नमाज बंदे के तकबर को तोड़ने का नाम है। अगर शैतान बनना नहीं चाहते तो आप परवरदिगार आलम को सजदा कर। और ये मकतबे अहले बैत में मिट्टी पे सजदा क्यों करवाया जाता? और मुस्तहब नाक के नीचे भी क्या रखो? सजदेगा रखो। अदना तरीन चीज है मिट्टी, इस मिट्टी को सजदा करवाता है, नाक को मिट्टी से रगड़वाता है ताकि बंदे के वजूद से तकबर खत्म हो जाए। जब तकबर खत्म होता है तो हुकूमत अक्ल के अंदर बंदा दाखिल हो जाता है। कि मासूम ने कहा कि गुनाह तकब्बुर की निशानी है कि खुदा कहे न कर, बंदा कहे तुझे जो करना है कर, मैं तो गुनाह करूंगा, तो ये किसकी निशानी है? तकब्बुर की। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज्जल फरजम, ईरान के बहुत बड़े खतीब हैं, आगे दानिशमंद। अब ईरान में भी बड़ी तेजी से सेक्युलरिज्म और बेदीनी फैल रही है, मीडिया का बहुत गहरा असर है हर माशरे में। यानी जहाँ दीनी हुकूमतें भी हैं वहाँ भी बेदीनी बड़ी तेज़ी से फैल रही है। अगर दानिशमंद कहते रमज़ान का महीना था, अब रमज़ान है, बंदा रोज़ा ना भी रखे तो रोज़े का एहतराम करना पड़ता है। कहते मैं गाड़ी में जा रहा था तो एक जवान, अब उसने जैसे देखा मौलवी गाड़ी में बैठा हुआ है, तो बाज़ लोगों को मौलवियों को चढ़ाने की आदत ही पड़ जाती है। मौलवी बोले ये न करो हराम है, ख्वातीन को कोई हिजाब करो। अब मौलवी के सामने दुपट्टा उतार के घूमे, अब वो ये समझती हैं कि हम किसे चिढ़ा रही हैं? मौलाना को चिढ़ा रही हैं। तो जवान ने देखा अगर दानिशमंद गाड़ियाँ बैठे हैं, अब वो बिल्कुल गाड़ी उसने आके साथ रोकी और उसने जैसे देखा मौलाना साहब बैठे हुए हैं, मामा सर पर है, उसने जवान ने अपना शीशा नीचे उतारा और हाथ में सिगरेट लिया और सिगरेट को जलाया। और जब उसने वो धुआँ फेंकना चाहता था तो अगर दानिशमंद को इशारा किया, उसने को इशारा किया तो उन्होंने समझा कोई सवाल करना चाहता है। तो आज दानिशमंद कहते मैंने शीशा जैसे नीचे उतारा, उसने सारा सिगरेट का जो धुआं था वो मौलाना साहब के मुंह में मारा। अब आए दानिशमंद भी थोड़े नौजवानों के बड़े मशहूर खतीब ईरान में, तो वो थोड़े मुस्कुराए, तो उन्होंने कहा देख दोबारा धुआँ खींच और इस बार थोड़ा ज़्यादा खींचना। उसने कहा, तो जवान परेशान हो गया, ये मौलवी नाराजी नहीं हो रहा, ऊपर से कह रहे हैं और धुएं के लिए फूंक मार। तो कहता है उस जवान ने और ले, उसने कहा अब उसने कहा मुझे नहीं मार, ऊपर ऊपर आसमान की तरफ मार। कहा मैंने थोड़ी मना किया है कि सिगरेट न पी, अल्लाह ने मना किया, गुस्सा उस पे उतार, मुझ पे क्यों उतार रहा है? मिंबर से जो तबलीग दीन होती है ये मेरी बात थोड़ी है बंदे खुदा, ये हुक्म अली इब्न अबी तालिब है, ये हुक्म परवरदिगार आलम है। ये आयत कुरान की
مومنون بعضهم اولیاء بعض, کسی عالم سے تفسیر پوچھی کہ مومنین بعض مومنین پر ولایت رکھتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ ولایت اس امیر المومنین کی ہے نا, یہ کیا ہے کہ مومنین بعض مومنین پہ ولایت رکھتے ہیں؟ تو غالباً آغا قراتی فرماتے ہیں اگر کوئی 6 سال کا بچہ بھی تمہیں امر بالمعروف کرے, مثلا تو نماز نہیں پڑھ رہا, روزہ نہیں رکھ رہا, یا کوئی فعل واجب یا فعل حرام کو انجام دے رہا ہے, اور وہ بچہ تجھے بولے کہ آپ غلط کر رہے ہو یہ نہ کرو, فرمایا اس وقت اس 4 سالہ بچے کی بھی تیرے اوپر ولایت ہے, کیونکہ جو کہہ رہا ہے وہ اپنی بات نہیں کر رہا, وہ خدا کی بات کر رہا ہے. مومنین بعض مومن پہ ولایت رکھتے ہیں. باپ اگر کچھ بولے دین کی بات, مولانا کچھ بولے, کوئی مومن ہی تمہیں بول دے بندے خدا جھوٹ نہ بول گنا, اس وقت وہ ایسے ہی تیرے اوپر ولایت رکھ رہا ہے جیسے علی ابن ابی طالب, کیونکہ وہ اپنی بات نہیں کر رہا, کس کی بات کر رہا ہے؟ دین کی بات کر رہا ہے. یہاں مسئلہ دین ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے انسان اور جنوں کو خلق کیا تاکہ کیا کریں؟ اللہ کی. پچھلے سال اسی آیت کو میں نے موضوع اشرا بنایا تھا, اور عبادت سے مراد معرفت, اور معرفت بغیر عقل کے انسان کو مل نہیں سکتی. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. پھر امام نے فرمایا کہ خدا نے جب عقل کو خلق کیا, پھر پروردگار عالم نے جہل کو خلق کیا. اب فرمایا جہل کی مثال کا ظلمات فی البحر اللجی, کل میں نے پڑھا تھا. اب جہل کی مثال اس طرح ہے جیسے ظلمت بھرا دریا ہو, دریا کڑوا پانی ہو. اب آتے ہیں قرآن کی طرف. خدا نے عقل بتایا, عقل کون ہے؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے. 12 کا سارا شجرہ بتایا. نور علی نور یہد اللہ لنور من یشاء, امام مہدی کے نور سے کائنات کو ہدایت دے گا. فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. کچھ ایسے گھر ہیں جن گھروں میں اللہ کا نام بلند ہوتا ہے, جن گھروں میں اللہ کی تسبیح ہوتی ہے. ملتا ہے جناب ابا بکر نے رسول گرامی سے پوچھا, یا رسول اللہ یہ کن کے گھر ہیں؟ فرمایا انبیاء کے گھر ہیں, ابراہیم کا گھر ہے. کہتے اس نے علی کے گھر کی طرف اشارہ کیا, کہا یا رسول اللہ اس گھر کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ رسول خدا نے فرمایا سب گھروں سے اگر کوئی گھر بلند ہے تو علی ابن ابی طالب کا گھر ہے. یہ وہ گھر ہے جہاں پہ خدا کا ذکر بلند ہوتا ہے. پھر فرمایا یہ کن کا گھر ہے؟ دیکھیے قرآن, میں نے سورہ ہم پہلے اشرے میں آپ کو بتایا تھا, ایک آیت جب آتی ہے نا پھر آگے صفات بتاتی ہے. یہ نورانی مخلوقات ہیں, مصباح المصباح. پھر فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھروں میں اللہ کا نام ہمیشہ بلند رہتا ہے. اب یہ کون ہے؟ رجال, یہ وہ لوگ ہیں. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات, یہ وہ لوگ ہیں جن کو بزنس اور تجارت, بیچنا خریدنا اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا. تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی, خرید و فروخ ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی, میدان جنگ ہو, جنگ صفین. علی نے کہا مصلی بچھا, ابن عباس مولا یہ عبادت کا مقام نہیں جنگ کا مقام ہے. کہا ابن عباس اسی توحید اور عبادت کو نافذ کرنے کے لیے جنگ لڑ رہا ہے. کربلا کا میدان ہے, سعید نے 17 تیر کھائے, حسین نے نماز کو قائم کیا. کبھی سوچا کہ جس بھی معصوم کے روزے پر جاتے ہو یہ جملہ کیوں کہتے ہو؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. 5 منٹ کے لیے سوچا تو ہے کون, تیری حیثیت کیا ہے کہ تو حسین کے لیے گواہی دے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے زکات دی, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے امر بالمعروف اور نہیں. بھائی میں ہوں کون, میں ہوں کون جو حسین کے لیے گواہی دوں؟ معصوم نے کہا دو.
ताकि ये पता चले वो कौन थे जिन्होंने नमाज को कायम किया और ज़कात को दिया। जब बाजार में ये काफिला जा रहा था ना शाम की बाजार में, 70,000 मस्जिदों में बताया गया कि अली नमाज नहीं पढ़ते, अली ज़कात नहीं देते, अली दीन से खारिज हैं। जब पहले शाम को पता चला कि अली की शहादत का मस्जिद में होना हिकमत इलाही है, शाम वालों ने कहा अली और मस्जिद, वो भी सुबह की नमाज, हमें तो बताया गया अली नमाज नहीं पढ़ते, अली का मस्जिद से लेना देना क्या है। जब पत्थर मारने लगे और कहने लगे ये बागी की बहन है, उस वक्त सैयदा ज़ैनब ने कहा पत्थर मारना है मार, पर मेरे हुसैन को बागी न कहो, मेरा हुसैन नमाजी है। रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बै, ये वो लोग हैं जिनको बिजनेस, जिनको तिजारत, जिनको तख्त, जिनको हुकूमत अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करती, नमाज को कायम करते हैं, ज़कात देते हैं। यखाफून, डरते हैं, यौमन ततकल्लबु फीहिल कुलूब वल अबसार, जिस दिन इंसानों के दिलों को जाहिर कर दिया जाएगा। अब फरमाए वल्लज़ीन कफरू आमालहुम कसराब, जो लोग कुफर इख्तियार करते हैं उनके आमाल शराब की तरह हैं, उनको लगता है कि हमने बहुत सारी इबादतें की हैं, नमाजें पढ़ी हैं, लेकिन ये सब कुछ शराब है। कुरान की आयत उलाइका हबितत अमालहुम, कारी कुरान नमाजी जब अल्लाह की दरबार में आएंगे कुछ भी नहीं होगा। दो लफ्ज हैं हब्त और जब्त, इसको अपनी लैंग्वेज में समझाऊं, पुलिस दो तरह की चीजें पकड़ती है, पुलिस के भी दो तरह के मिजाज होते हैं, हैं? अब तसव्वुर कीजिए पाकिस्तानी पुलिस हो, मसलन यूके की पुलिस, यूके की पुलिस चर्स बरामद करेगी फौरन उसे जाया कर देगी, जला देगी, इसे कहते हैं हब्त, चीज मिली और जला दी। हमारे भी अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस वाले अच्छे हैं, पर बाज की मिसाल दे रहा हूं, चर्स लेके जब्त कर देंगे, हब्त नहीं करेंगे, शायद कहीं और काम आ जाए। तो जब्त का मतलब है अमाल को रख लेना, फिर शायद कहीं अगला नेक बंदा आए और उसे चर्च दे दी जाए। हाँ, हब्त का मतलब यह है कि चीज को लेके जाया कर देना। का उला एक हबितत अमालहुम, बाज लोग ऐसे हैं जिनके अमाल को क्या कर दिया जाएगा, हब्त कर दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने अहल बैत को पीठ दिखाई, जो अली इब्न अबी तालिब के मुकाबले में आए, जो हुसैन इब्न अली के, इनकी नमाजें किसी काम की नहीं, क्योंकि इन्होंने अक्ल के मुकाबले में आकर खड़े हो गए हैं, और जो भी अक्ल के मुकाबले में आता है वो जुल्मत कामिल और जहालत कामिल होता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बार दीगर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब फरमाया जो जुल्मत है उसकी मिसाल किस तरह है, उसकी मिसाल बहरे लुज्जी की तरह है। अब सबसे पहली चीज जो लश्करे जहल में आई वो थी हिसादत। इबलीस हसद कर रहा था किसके साथ, जो कमालात खुदा ने किसको दिए थे, आदम को दिए थे। अब कुरान की आयत अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुम अल्लाह मिन फज़लिह, कहता हबीब ये हसद करते हैं जो मैंने अपने फजल व करम से अता किया। फकत आतैना आल इब्राहिम, मैंने आल इब्राहिम को, आल इब्राहिम अहले बैत अलैहिस्सलाम अता किया अल किताब वल हिकम व आतैना मुल्कन अजीमा, मेरी मर्जी में इनको किताब दूं, मेरी मर्जी में अली को हिकमत दूं, मुल्कन अजीमा, आखिर में अगर मैं सबसे बड़ी हुकूमत भी अता करूंगा तो आले इब्राहिम को अता करूंगा, किसी और हुकूमत अता नहीं करूंगा। अब यह नहीं कि अहले बैत कुछ करते थे, लोगों का हसद है, अकल से जब बंदा हसद करता है ना वो जहालत में पड़ जाता है। आ गए रसूल खुदा के पास, या रसूल अल्लाह ये क्या माजरा है, क्या हुआ, का औरतों में सैयदतुन निसाउल आलमीन बनाया तो अपनी बेटी को बनाया, वो भी हाशिमी,
जवानों का सरदार जन्नत में किसी का बनाया, वो भी अपने नवासों को बनाया, वो भी हाशमी। सैयदुश्शोहदा अगर किसी को बनाया, वो भी हमजा को बनाया, वो भी हाशमी। काबे के दरवाजे की चाबियां जिसके पास हैं, वो भी आपका चचा अब्बास, वो भी हाशमी। अब कह रहे हैं मन कुंतुम आला हुफाज अली मौला सैयदुल औसिया भी बना रहे हो तो अपने दामाद को, वो भी हाशमी। हमने क्या बिगाड़ा, हमें भी तो कोई ओहदा मिले ना। अल्लाह कहते तेरा क्या जाए, मेरी मर्जी, मैं जिसे फजीलत दूं, अम यहसदून अन्नास अला मा आताहुम मिन फज़ले, मेरी मर्जी में जिसे फजीलत अता करूं ना। खुदा किसी का मकरूज तो नहीं है ना। अब यहां पे इतना मजमा बैठा है, अब मैंने इस बंदे को 1000 दिया, हाँ दूसरे को भी 1000 दिया, दूंगा नहीं भाई, मिसाल दे रहा हूं, दूसरे को भी मैंने 1000 दिया, तीसरे को भी 1000 दिया, चौथे को भी दिया, दूसरा बंदा उठा, मैंने उसको 5000 का नोट दिया। अब ये 6 लोग खड़े हो जाएं, क्यों मौलाना, हम सबको 1000 दिया, उसे 5, मेरे को भाई आपका क्या जाए, पैसे मेरे थे ना, तुम्हें ये 1000 भी दिया तो ये मेरा एहसान है ना। अल्लाह कहता मैंने तुझे मुसलमान बनाया, ये भी तो मेरा एहसान है, तुझे इंसान बनाया है, मेरा एहसान है ना। अब मेरी मर्जी में अली को मौला बनाऊं, बाबे मदीनतुल इल्म बनाऊं, तेरा क्या जाता है। ये हसद करते वाकई मुसलमानों में एक फिरका है, क्यों अली की इतनी बातें होती हैं, भाई अल्लाह फजीलत दे रहा है, सैयदुन्निसा आलमीन बना रहा है, अल्लाह की मर्जी है ना। अब जिद करते नहीं, 4 बेटियां थी, पर अगर थी एक हदीस लाके दिखाओ उनकी फजीलत में। जनाब खतीजा की बात आती है, दूसरी बीवियों को फहरिस्त की लाके खड़ी कर देते हैं, भाई जिसकी फजीलत में रसूल ने बातें की हैं वो बात करो ना, जिससे खुदा ने फजीलत अता की है। जनाब हमजा चचा हैं, फजीलत है, दूसरे 2 चचा हैं बदबख हो गए। यूसुफ के साथ यूसुफ के भाइयों का मसला क्या था, हसाद। जनाब यूसुफ ने कभी भाइयों को तकलीफ दी थी, कोई तकलीफ नहीं दी ना, बोला बाबा मैंने ख्वाब देखा है, सितारे सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। याकूब की समझ गए कि यूसुफ बेटा है पर मुझसे अफजल है, माँ हो महताब व आफ्ताब और सितारे सजदा कर रहे हैं। कब बेटा एक से मुराद मैं हूं, तेरी माँ है, तेरे भाई हैं, समझ गए थे, लेकिन भाइयों को न बताना। अम यहसुदून, असल जड़ है हसद, इबलीस इबलीस बना हसद की वजह से कि उसे क्यों दिया मुझे क्यों नहीं दिया। ये पहली बीमारी है और मजबूत तरीन, जहां से शैतान इंसान के वजूद में आग लगाना शुरू कर देता है। तभी फरमाए अली वाला कभी हसद नहीं करता, तू देख खुदा ने उनको क्या दिया है और वही रोशनी अपने वजूद में पैदा करना शुरू कर दे। हाबिल और काबिल का किस्सा हसद से शुरू हुआ। 950 साल तबलीग की हजरत नूह ने, जब ये कहे ना कि मैं नहीं मानता, यहां से खुदा अजाब नाजिल करना शुरू कर देता है, क्योंकि तू नूह का इनकार नहीं कर रहा, तू किसका इनकार कर रहा है, परवरदिगारे आलम का इनकार कर रहा है। हजरत नूह को पहले ही बता दिया, नूह दिरख लगा, खुदा मोहलत भी देता है बंदे को सुधरने की, बहुत लंबी मोहलत देता है। दिरख लगाए, दिरख बड़े हुए, खुश्क साली आई नूह के बददुआ के नतीजे में, फिर का इन्हीं दरख्तों को काट कर कश्ती बनाओ, फिर उन्हीं दरख्तों से कश्ती बनाई। बेटे ने जब अल्लाह का इनकार किया तो खुदा ने कहा नूह ये तुम्हारी अहल में से नहीं है। अक्ल का काम है सरे खमे तस्लीम करे हुक्म परवरदिगार आलम के सामने। ये लोग जो शरीयत की बातें नहीं मानते, मौलाना ये बात नहीं मानेंगे, वो बात नहीं मानेंगे, आधा मानूंगा, युमिनूना बिबाद व यकफुरूना बिबाद, नमाज पढ़ूंगा पर दाढ़ी नहीं मानूंगा, हाँ ये करूंगा लेकिन खुम्स नहीं मानूंगा, हाँ ज़कात नहीं दूंगा, रोजा नहीं रखूंगा, बास को मानता है बास को नहीं मानता, अल्लाह कहता है ऐसा ईमान मेरी दरबार में काबिल कबूल नहीं है। ये जो तू इनकार कर रहा है, इनकार किसका है, परवरदिगार, ये ऐलान जंग है परवरदिगार आलम के साथ। लेकिन वहीं पर फिर नूह को अल्लाह बताता, अब ये नूह ये नहीं कि मैं अपने बंदों से प्यार नहीं करता। जब आप करबला का वाकया सुनते हो ना,
मिलता है। 17 लोग गोदी कत्लगाह में गए थे इमाम हुसैन का सर कलम करने, 17 लोग, किसी की जुर्रत नहीं हुई मौला का सर कलम करें। जाते थे हाथ कांपते थे बाहर, अबूहत हुसैन इब्ने अली आखिर में शिमर गया, मौला के सीने पे सवार हुआ। उस वक्त इमाम उससे कलाम करे, शिमर अभी तक तूने जितनी खताएं की हुसैन बंदोबस्त करेगा, लेकिन ये खता न कर, क्योंकि इमाम के गले पे जो छुरी चलाता है इस गुनाह की माफी नहीं है। नहीं समझा? रिवायत के जुमले हैं, छुरी चलाता गया पर हुसैन के गले पे छुरी ने चलने से इनकार किया। कहने लगा हुसैन ये गला कट क्यों नहीं रहा? फिर इमाम ने अपने नाना की हदीस सुनाई, कहा ये वो जगह है जहां मेरे नाना ने बोसा दिया था, तुझे नहीं पता मैं कौन हूं, मेरी अम्मा ने इस गले पे बोसा दिया था। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते, इसने मेरे बाबा के गर्दन को पलट दिया, पीछे से गला काटना शुरू कर दिया। और क्या करे परवरदिगारे आलम इंसान को, और कितना बताए, तू किन कसाफतों में किन निजासतों में जिंदगी गुजार रहा है। पिछले साल मैंने अशरे में बताया था कि हर इंसान ला महदूद को पसंद करता है, शैतान तुझे महदूद करना चाहता है। हम सब की फितरत में है हम आशिक कमाल हैं, कोई ऐसा इंसान नहीं जो आशिक कमाल ना हो, हर इंसान लामहदूद को पसंद करता है। इसकी दलील भी यह है कि आप बार बार घर क्यों बदलते हो, एक घर दूसरा घर तीसरा घर चौथा घर पांचवा घर, सुकून और करार नहीं होता, इससे बड़ा और चेंज करूं, हर चीज चेंज करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, मोबाइल चेंज करते हैं, गाड़ियां चेंज करते हैं। यह सिफत है कि इंसान लामहदूद का आशिक है, शैतान तुझे महदूद बनाना चाहता है। अब शैतान को पता है कि तेरी फितरत यह है कि जब तक तुझे खुदा नहीं मिलेगा तब तक तुझे सुकून नहीं आएगा, क्योंकि कहा वह नफख तो मिन रूही, तेरे रूह को अल्लाह ने अपने नफखे से बनाया है ना। अब फितरत में है कि इंसान खुदा को चाहता है, और कायनात में खुदा के वजूद के अलावा किसी का वजूद लामहदूद नहीं है। समझो तेरे पास एक बाल्टी है, उस बाल्टी को भर ही खुदा सकता, कोई सकता ही नहीं है। तेरे पास एक बर्तन है, उस बर्तन को दुनिया की कोई चीज भर नहीं सकती सिवाय परवरदिगार आलम के। हम सब फितरतन आशिक खुदा हैं। अब शैतान क्या करता है, इतने महदूद चीजों को ज्यादा बनाता है, वैरायटी इतनी खल करता है कि हम उसी में मशगूल हो जाते हैं, खुदा से गाफिल हो जाते हैं। कायनात में कितनी वैरायटीज हैं, आप एक चीज से फारिग नहीं होते दूसरी चीज बन जाती है। एक टीवी खरीद के घर में आते नहीं है, अगले साल नया मॉडल आता है, नया कैमरा, नया मोबाइल, नए चप्पल, नए कपड़े। अब हम सारा पूरी अब जिंदगी है 70 साल, शैतान को पता है 70 साल है, ये इतना घूमेगा 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 यहां तक के रूह परवाज करके चली जाएगी, बाद में पता चलेगा शैतान ने मुझे किन चीजों में लगाया हुआ था। अक्लमंद बंदा कभी भी इन चीजों में खुद को गुम नहीं करता। शिमर का क्या मसला था, यही रे की हुकूमत, इमाम ने कहा मिलेगी तो क्या होगा, तो क्या होगा, यही खाना जो तुझे यहां मिल रहा है वही वहीं मिलना है। लेकिन नहीं, शैतान वैरायटीज बनाता है, ये दूंगा वो दूंगा, इतनी वैरायटीज बनाता है, हम सारी वैरायटीज में और मुतनव्वे चीजों में गुम हो जाते हैं और परवरदिगार आलम को क्या होते हैं, भूल जाते हैं। क्यों कहा नमाज तहज्जुद का सवाब है, क्योंकि तहज्जुद में सारी कसरतें सो रही होती हैं, और बंदा उन कसरतों से निकलकर वहदत में जाता है और खुदा से रब्त बनाता है। जब तेरा रब्त खुदा से बनता है ना, अब वो ताकत वो एनर्जी तुझे मिलती है, वो लज्जत खुदा अता करता है जिसका इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। अब अक्लमंद होगा वो शैतान के हरबों को समझेगा कि वाकयन शैतान मुझे गुमराह करने के लिए क्या करता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज्जल फरजों सहाबी अमीरुल मोमिनीन ने गवर्नर बनाया अली ने इसे,
फारस का, जैसे फारस पहुंचा, देखा कि फारस के लोगों के हालात बहुत बेहतर हैं। होता ये था, मसलन आपको मदायन का गवर्नर बना दिया, मिस्र का गवर्नर बना दिया, लोगों के हालात ख़राब होते थे, बैतुल माल में जितना पैसा आता था लोग गरीबों को तकसीम करते थे। इसने देखा नहीं, फारस के हालात बहुत बेहतर हैं, लोगों को पैसों की ज़रूरत है ही नहीं। 4 लाख दिरहम की इस बंदे ने करप्शन की, साहबी है। अली इब्न अबी तालिब को पता चला, मौला ने खत लिखा, गालिबन नहजुल बलागा का 37 खत है या 17, मुखातब किया। इमाम ने फरमाया मुझे अफसोस हुआ, तुमने अमानत में खयानत की, अली ने तुझे अमीन बनाया था, तू जहालत में पड़ गया। इमाम ने फरमाया तेरे घर में जो ऊंट बैठा हुआ है अली की निगाह में वो तुझसे बेहतर है, क्योंकि ऊंट पर कोई सामान रखता है ना वो वहीं जाके पहुंचाता है जहां मालिक ने उसे भेजा है, वो कभी खयानत नहीं करता। तूने अली की अमानत में खयानत की है, जेल में डाला अमीरुल मोमिनीन ने। 4 लाख दिरहम चुराए थे, वापस लिए, 30,000 दिरहम का अली ने फाइन लगाया। मौला का साहबी साहब अली के पास है, मौला अब इसे छोड़ दीजिए, इसने तौबा कर ली है। इमाम ने छोड़ दिया। यही वो बंदा था बसरे में, इमाम ने अपना कासिद भेजा जनाब सुलेमान। हम मुस्लिम का जिक्र सुनते हैं, सुलेमान का किसी को नहीं पता। खत लेकर भेजा, डायरेक्ट खत लिखा, कभी मेरे बाबा का साहबी था, एक एक बंदे के लिए इमाम हुसैन ने खत लिखा है। इस बदबख्त ने वो खत लिया, जनाब सुलेमान को इब्ने ज़ियाद के हवाले किया, और बसरे के शहर में इब्ने ज़ियाद ने जनाब सुलेमान का सर कलम किया। चंद ही महीनों में बदबख्त बीमारी की वजह से मर गया, लेकिन करबला में हुसैन का साथ न दिया। अगर ये करबला आता इमाम हुसैन का साथ देता, आज मजलिसों में हम इसका जिक्र कर रहे होते। हुर हुर क्यों बना? क्योंकि हुर अक्ल के मुकाबले में नहीं आया। आज दुनिया हुर को याद कर रही है क्योंकि हुर साहिब अक्ल था। इसी तरह अगर तू साहिब अक्ल बनेगा, जिंदगी 60-70 साल की गुजर जाएगी, कभी माल और दौलत की हवस में आकर जहालत के पीछे न जाना, कभी शहवत में आकर ए जवान अपने ईमान को तबाह हो बर्बाद न करना। ये जो आज़ा खुदा ने दिए ये सिपाही हैं, इन सिपाहियों को राह परवरदिगारे आलम में इन्वेस्ट करना, फिर देखना मरने के बाद भी खुदा तेरा नाम बुलंद करता है। खुमैनी एक गांव में पैदा हुए थे, खुमैन कहां से कहां खुदा ने पहुंचाया, क्योंकि उनके वजूद में इताअत परवरदिगारे आलम थी। मैंने पहली मजलिस में जिक्र किया था अपने दोस्त का जिनका पहली मुहर्रम इंतकाल हो गया, किबला सफ़ीर सज्जाद साहब, एक्सीडेंट हुआ 3 साथियों के साथ बेचारे। एक दिन पहले मुझसे उन्होंने बात की किसी मजलिस के सिलसिले में, सुबह ही मैसेज आया उनकी डेथ हो गई। इंसान को नहीं पता मैं कब चला जाऊंगा। इतना काबिल आलम दीन, हम भी मुख्तलिफ मौलाना से मिलते हैं, एक दिली उनके साथ कल्बी रिश्ता था हमारा, इराक में रहते थे नजफ में। इतनी बार मैंने बोला आप कराची आइए, मजमा अच्छा होता है, लोग इल्म दोस्त हैं, उलमा की कदर करने वाले हैं, आइए आइए। वो अक्सर पंजाब में पढ़ते थे और हमें पता था यहाँ कई ऐसे उलमा जो नामवर हैं, उन सबसे काबिल आदमी था वो, पढ़ा लिखा भी ज़्यादा था, दरसे खारिज का स्टूडेंट उस्ताद भी था, बेहतरीन अरबी खिताबत, माशाल्लाह बेहतरीन खिताबत, यानी अगर कराची में वो आते 3-4 साल में आज बड़े से बड़े खतीबों में उनका शुमार होता। इसरार हम करते थे कि कोई भाई अपना यूट्यूब चैनल खोलो, कोई मीडिया के अंदर आओ ताकि लोग आपको पहचाने, रुशनासी हो, एक हीरा छुपा हुआ है नजफ में बाहर आए। जब मैं नजफ गया उनसे मिलने तो कहने लगे मौलाना मुझे खौफ आता है। किस चीज का खौफ आता है? तो मतलब खौफ आता है कहीं शोहरत मुझे हुसैन से दूर न कर दे। ये फिक्र है किसी मौलवी में आज? हाँ?
तो डिमांड की जाती है, हमें मशहूर किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, गाड़ियां दी जाएं, प्रोटोकॉल्स दिए जाएं। ऐसे आलिम, ऐसा जवान का मुझे डर लगता है मौलाना, बहुत कम आते थे मजलिसों के लिए, कामयाब तरीन आदमी का मुझे डर लगता है, इस शोहरत से डर लगता है, इन क्लिप से डर लगता है, इन वीडियो से डर लगता है, कहीं लोग वाहवा करें, तारीफें करें, फिसल न जाऊं, वली से दूर ना हो जाऊं, मैं इसी में खुश हूं, नजफ में बैठा हूं, मौला का इल्म हासिल कर रहा हूं, जितना हो सकता है मौलाना तबलीग अपनी जारी रखता हूं। ऐसा आलिम दीन, ऐसा जवान, मुझे फौरन वाकया याद आ गया इस्फहान के बहुत बड़े आलिम दीन का, कि लोग तरसते थे उनके चेहरे को देखने के लिए, हाथों को चूमने के लिए, नमाज ईद के लिए लाखों का मजमा के फला आयतुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ेंगे। आयतुल्लाह उल्ज़मा बहजत हम बच्चे होते थे, याद है अगर नमाज 5 बजे सुबह को होती थी तो लोग मस्जिद में 2 बजे जाके जगह बनाते थे, आशिक होते थे अगर बहजत के पीछे नमाज पढ़े, वो गिरिया होता था उनकी नमाज में, इला माशाल्लाह। 2 बजे आते थे, सजदगा रख के चले जाते थे, सुबह आते थे अपनी जगहों को रिजर्व करते थे। ऐसा देखा आपने कभी नमाज के लिए लोग जगहों को, कि पता चले अंचोली में या रिजविया में या आरसी में कोई मुत्तकी मौलाना है सुबह की नमाज पढ़ाता है, और लोग इस तरह आए जगह रिजर्व करें। ये इश्क खुदा ने बहजत का लोगों के दिल में डाला था, क्योंकि वो आशिक खुदा था। इसी तरह इस्फहान का बहुत बड़ा आलिम दीन, नमाज ईद पढ़ाने के लिए लाखों का मजमा खड़ा है, लोग आगे पीछे, मौलाना जल्दी आइए नमाज पढ़ाइए नमाज, यहां तो मौलवी फोने करवाते हैं फला मजमे की नमाज हमसे हम पढ़ाएंगे, फला जुलूस की मजलिस हम पढ़ेंगे, मजमा ज्यादा होता है, फला शबेदारी में हम आएंगे। हाँ, तज़किया इतना आसान थोड़ी है, अपने वजूद को बनाना, ये मैं निकालना, मेरा अशरा, मेरी मजलिस, मेरा मजमा, हुसैन कहां गए, अब अब्दुल्ला कहां गए, यही तो शिर्क खफी है जिसमें दुनिया मुब्तला है। कहते हैं ये जैसे घर से निकले लाखों के मजमे पे इनकी निगाह पड़ी, फौरन घर की तरफ गए, सेक्रेटरीज आ गए, मौलाना कहां जा रहे हैं, इतना मजमा आपके पीछे नमाज पढ़े, अपने शागिर्द को बोला तू जाके नमाज पढ़ा, मिन्नतें कर रहे हैं, पांव पकड़ रहे हैं, मौलाना मजमा आपके इंतजार में, कहा आज कुछ भी हो जाए मैं नहीं नमाज पढ़ाऊंगा। शागिर्द गया, उसने नमाज पढ़ाई, बाद में सारे आ गए, मौलाना आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ाई, का जैसे घर से बाहर निकला मजमे पे निगाह पड़ी, मेरे दिल में शैतान ने ख्याल डाला ये सारा मजमा तेरे लिए आया है। मैंने कहा आज अगर नमाज पढ़ा ली तो एक अक्ल के लश्कर को तीर मार के मार दूंगा। तो इमाम ने कहा एक जहालत के सिपाही बन के बैठ जाऊंगा। मैं हर मजलिस में कह रहा हूं, एक आपकी एक्टिविटी होती है पर्सनल, एक एक्टिविटी होती है सोशल। पर्सनल एक्टिविटी मसला नहीं, घर में क्या देख रहे हो, मोबाइल कैसे चला रहे हो, कैसे सो रहे हो, क्या खा रहे हो, नहा कैसे रहे हो, क्या करते हो क्या नहीं करते, मेरा नहीं जाए, पर्सनल एक्ट है, इसकी सजा भी खुदा कम देता है। तन्हाई में कोई गुनाह किया, कोई खता की, अकेला बैठा है, गुनगुना रहा है, नाच रहा है, जो भी कर रहा है, चलो बख्शिश है। एक मर्तबा गुनाह होता है सोशल, काली कमीज पहन के कराची की सड़कों पे चल रहा है, हुल्लड़बाजी कर रहा है बंदा मसलन, ये मकतब की बदनामी है। काले कपड़े पहन के खातून आयारसी आती है मजलिस सुनने पर, सर पे दुपट्टा नहीं, पांवों में चोराबे नहीं, न कोई तुझे जानता है न तेरे बाप को जानता है। हुसैन, लोग काले कपड़े को जानते हैं और काला कपड़े की निस्बत हुसैन से आए। बदनामी मकतब की होती है। मैं अरफा करबला करने गया, 50 डिग्री की गर्मी थी करबला में, सिर्फ एक होटल से दूसरी होटल पे दुआ अरफा में पढ़ने जा रहा था, 10 मिनट मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था उस गर्मी में, शिद्दत भरी गर्मी में। अब जरा हम जहां जाते हैं चीजों को नोट करते हैं, एक चीज मैंने इराकियों में देखी, इतनी गर्मी में मैंने एक इराकी खातून नहीं देखी जिसके पांवों में जोराब ना हो। मैंने बड़ा ताज्जुब किया, मैंने
50 डिग्री की गर्मी एक खातून मैंने नहीं देखी जिसके पांवों में जुराब न हो। उससे मुझे अंदाजा हुआ वाकई अहले इराक मरजईयत के मानने वाले हैं। यह मराजे की बरकत है कि हर खातून को इल्म है कि जुराब पहनना वाजिब है। ये आप तबलीग कर रहे हो, जब आप चलते हो आप तबलीग करते हो। सोजर बाजार में बोल के आया, अब जाहिर है जवान मौलाना से मोहब्बत करते हैं, प्रोटोकॉल देते हैं, अच्छी बात है, आगे पीछे गाड़ियां चलती हैं, लेकिन आप अब बारिश हो रही है, पानी जमा हो गया, आप गाड़ी तेज चलाओगे, पानी किसी बरादर अहले सुन्नत पे पड़ गया, बदनामी किसकी है? अब ये तो नहीं 10 दिन अल्लाह ने इज्जत दी है, पुलिस भी आपका एहतराम करती है, सिक्योरिटी भी मिलती है, हम उसका गलत फायदा उठाएं। फरमाया वो मोमिन ही नहीं जो अपने बरादर मोमिन को अजियत दे। ये वो दिन है, आप यहां अपना अखलाक दिखाओ। अरबईन में इराक जाते हो ना, हर बंदा इराकी की तारीफ करता है, क्यों? वो अपने अखलाक से, अपनी मेहमान नवाजी से। 10 दिन मुहर्रम ऐसे मनाओ कि पूरे पाकिस्तान के मुसलमान इंतजार करें अगला मुहर्रम कब आएगा। किसी की जबान से जुमला न निकले कब इनके दिन खत्म होंगे, नहीं, वो इंतजार करें। अपने को न्याज 10 थैलियां देते हो, उसको 100 थैलियां दो। अपने को एक गिलास पिलाते हो, उनको बुला बुलाकर, बिठा बिठाकर हुसैन की सबील पिलाओ। कोई खैर हो, किसी को अल्लाह ने पैसे दिए हैं, कोई 100 चादरें, 200 चादरें, 400 चादरें इमाम बारगाह के सामने रख दो। जिन औरतों के पास चादरें नहीं, उनमें चादरें बांटो। एक प्रैक्टिकली काम करो, मकतब अहले बैत वाला काम करो, तबलीग अहले बैत वाला काम करो, जिससे इस कराची में कोई तब्दीली आए, लोगों को पता चले वाकई इनका मुहर्रम ऐसा होता है, ईसार का महीना है, कुर्बानी का महीना है, जज्बे मोहब्बत का महीना है। तो जब तक हम आज़ादारी को प्रैक्टिकल अंजाम नहीं देंगे तब तक फायदा नहीं होगा। अब इटली में आपने देखा है ना, इटली और स्पेन में बेल दौड़ते हैं, हाँ, बेल दौड़ाते हैं लोग और लोग भागते हैं। मौलवियों को बेल न बनाओ, हाँ, दौड़े दौड़े आ रहे हैं और इधर इधर हो जाओ, इधर भाई क्या हुआ भाई, सुकून से आओ, सुकून से जाओ। ये सोच इससे क्या होगा? अब क्योंकि 4 जवान होते हैं ना, थोड़ा इख्तियार मिलता है, रोड पे आ जाते हैं, जवान भी हैं, जज्बा भी हैं, तो वो समझते हैं बस पूरा कराची हमारा है, अब हम जो करना चाहें कर सकते हैं। मासूम फरमाते हैं ताकत का गलत इस्तेमाल न किया करो। यजीद तख्त पे बैठा, ताकत आई, कातिल हुसैन बन गया। अमीरुल मोमिनीन का जुमला फरमाया, अली को हुकूमत मिली, अली ने किसी चूंटी के मुंह से भी दाना नहीं छीना। ये अहले बैत अलैहिस्सलाम का अखलाक है, उनकी रफ्तार है। तखल्लकू बे अखलाकिल्लाह, अपने वजूद को अल्लाह के अखलाक में बदल दो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। दूसरी मेरी याली, एक क्योंकि गुफ्तगू अक्ल की हो रही है, काम थोड़े अकलाना होने चाहिए। बानियाने मजलिस से गुजारिश है, ये बच्चों को खड़ा ना किया करें। मुझे नहीं पता हम 1.5 घंटा बैठे रहे, ये बेचारे खड़े रहे, इसका फ़ायदा क्या है? मैं यहाँ से भागे भी नहीं जा रहा, यहीं बैठा हुआ हूँ। तो बेटा आप बैठ जाओ। बिस्मिल्लाह, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुझे नहीं पता ये कल्चर कहाँ से बनते हैं, ये क्यों हम बाज़ ऐसे काम करते हैं जिसका कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं था, प्रोटोकॉल भी ऐसा हो जिसका कोई फ़ायदा हो। हम रोड़ी में मजलिस पढ़ रहे थे, इसी तरह बेचारे 2 जवान खड़े हुए थे, आधी मजलिस में एक जवान बेचारा नीचे गिर गया। वो बाद में पता चला अब कितना बंदा खड़ा हो सकता है, मैं तो बैठ के 1.5 घंटा मजलिस पढ़ लेता हूँ, अब इतनी गर्मी, इतनी हबस, उसका BP लो हो गया बेचारा जमीन, अब इसका गुनाह मुझे नहीं पता किसके सर पर जाए। वो तो ये बोले हम मौलवी के लिए खड़े हुए थे। तो ऐसे काम करें जो अकेलाना काम हो, ऐसे प्रोटोकॉल्स बनाएं जो अकेलाना हो, जिसमें अकल भी हो, फिक्र भी हो, कोई फ़ायदा भी हो, क्योंकि ये मकतब अकल का मकतब है, जहालत का मकतब नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और एक नाअकलाना चीज़ जो हो रही है, आपने शायद महसूस किया कि नहीं, रमज़ान में हर TV पे मौला अली का जिक्र, मुहर्रम में बड़े बड़े स्टेजेस, हाँ, फोन आते हैं TV वालों के, शाम में गरीबा रिकॉर्ड करवानी है, मौलाना ये करना है, वो करना है, हाँ,
कब टीवी वालों की इतनी मोहब्बत हो गई इमाम हुसैन से? हाँ, कमर्शलिज्म, हुसैन भी पसंद है पैसे की वजह से, पता है इस महीने में हुसैन के नाम पे बहुत मिलता है। हाँ, हर टीवी चैनल पे मौला नाज बैठे हैं, गुफ्तगू हो रही है, अब यजीद बहुत बुरा था, यजीद बहुत बुरा था। पूरा साल ये टीवी चैनल वक्त के यजीदों को सपोर्ट करते हैं। पूरा साल न्यूज, न्यूज एंकर्स सपोर्ट पे सपोर्ट, सपोर्ट पे सपोर्ट। मुहर्रम आता है, पुराने यजीद पे लानत भेजते हैं। ये बेवकूफ लोग, अगर तुमने यजीद समझा होता तो यजीदों के खिलाफ बात करने की जुर्रत होती। फर्श अजा का मतलब यह है तेरे वजूद में जुर्रत को पैदा किया जाए। अगर हिम्मत इस दिल में पैदा ना हो, अगर जुर्रत इस दिल में पैदा ना हो, फिर हुसैन का नाम ना लिया कर, हुसैन का नाम बहादुर लिया करते हैं, डरपोक नहीं लिया करते। अच्छा मुझे बताइए, वाकयन अमीर शाम के बेटे से किसी को खतरा है? सीरियसली बताइए, किसी को खतरा है? बाज हमारे जज्बाती मोमिन शाम जाते थे और कहते मौलाना ये उसकी खबर है। हाँ, कोई थूक रहा है, कोई लाते मार रहा है, कोई कर रहा है। मैंने कहा माशाल्लाह कितने बहादुर हो तुम, अंदर लेटा हुआ है जमीन में और तुम लातों पे लाते मारे। मैंने कहा अभी निकल के आ जाए कोई 400 घोड़े सवारों के साथ, फिर तेरा दौड़ना मैं देखूं। अकल नहीं है बंदे में, शुजात जिंदा यजीद के सामने, बहादुरी जिंदा यजीद के सामने। ये कौन सी बात है? पुराना यजीद था, मर गया, कौन सी बड़ी बात है? कुछ जुमले आ रहे हैं पर वक्त का तकाजा नहीं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। वअज्जिल फर्ज। हमारे बाज एंकर्स आपने देखे होंगे ना, नहीं बोलते नहीं बोलते नहीं बोलते, कहते हैं जनाब रिटायर हो जाएं फिर बोलेंगे। जुर्रत चाहिए होती है ना इंसान को, ये जुर्रत हुसैन देते हैं। तनकीद बराए इस्लाह, अम्र बिल मारूफ। इमाम हुसैन की यजीद से कोई दुश्मनी नहीं थी, ना अमीरुल मोमिनीन के अमीर शाम से कोई दुश्मनी थी। अगर वो हुक्म खुदा को मानता कभी न लड़ते, अगर वो दीन की मुखालिफत न करता कभी मुकाबले में न जाते। मना किया, खबरदार अब्बास, पहला तीर हुसैन के लश्कर से नहीं चलेगा। यही जंगे जमल में हुआ, अली ने कहा पहला तीर मैं नहीं चलाऊंगा, अली दिफा करेगा। अगर वो तीर चलाए तो जान को बचाना वाजिब है। ये वो मकतब है जो जिंदा दिल बच्चे पैदा करता है, ये वो मकतब है जो उम्मतों को हौसला, जो इंसानों को तहजीब, जो अक्ल से रहने का सलीका सिखाता है, दिलों को करबला लेकर चले। रूह आशिक हुसैन है। एक मोमिन ने कहा मौलाना जब से करबला की ज्यारत करके आया हूं, दो तीन हफ्तों में एक बार मेरी रूह करबला की तरफ जाती है ख्वाब के आलम में, और नींद से रो रो के फिर बेदार हो जाता हूं। ये तड़प इमाम हुसैन के लिए पैदा करें। अल्लाहुम्मा जालनी माकुम फिद दुनिया वल आखिरा। ए खुदा दुनिया में भी हुसैन का साथ अता कर, आखिरत में भी हुसैन का साथ अता कर। फरमाया जो सवाब ज़ियारत हुसैन हासिल करना चाहता है वो खुलूस दिल से हुसैन को सलाम करे। अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्ने हुसैन व अला अस्सलाम अला हुसैन।
وعلى آل ابن حسين وعلى أولاد حسين وعلى صحابة حسين خلوص دل سے السلام على وعلى أولاد حسين وعلى صحابة حسين میرا سلام دو ننی سی گردنوں پہ میرا سلام دو کٹے ہوئے سروں پہ جنہیں ماں نے اپنی گودی میں نہیں لیا فضا کہتی ہے قاسم کا بدن آیا امام حسین نے کہا مفضا بہن زینب کو بلا واللہ اگر زینب کربلا میں نہ ہوتی حسین کیا کرتے علی اصغر کا ننا بدن لائے آواز بھی اما فضا بہن زینب کو بلانا بی بی زینب کہتی ہے دوڑے دوڑے گئے یہ سمجھ کے کہ علی اصغر نے پانی پی لیا کیونکہ اب مجھے بچے کے رونے کی آواز نہیں آ رہی تھی فرماتی آگے بڑی میں نے کیا دیکھا دو ننے قدم جو خون آلود بہن زینب ماں کو نہ بتانا برداشت نہ کرے گی جب اکبر کے سینے سے برچی نکالنے لگے خیمے کے در سے آواز آئی حسین ٹھہر جا ماں زینب آتی ہو فضا کہتی ہے جس بھی شہید کا لاش آتا تھا سب سے پہلے زینب آتے تھے ماتم کرتے تھے ماں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے فضا کہتی ہے قیامت کا منظر تھا جب حسین خیمے میں دو ننے لاش لائے سب انتظار میں تھے اکبر پہ رونے والے قاسم پہ رونے والے آئے گی بچوں پہ روئے گے لیکن کسی کو بی بی زینب نظر نہیں آئے فضا کہتی ہے میں خیمے کے اندر گئے بتانے بی بی بچوں کے لاش آ گئے کیا دیکھا بی بی زینب کا سر سجدے میں ہے رو کے کہہ رہی الحمدللہ الحمدللہ خدا تیرا شکر تو نے زینب کی قربانی قبول کی
खेमे से नहीं निकले, बच्चों पे गिरिया न किया। काफिला करबला से कूफे के बाजार में दाखिल हुआ। फिजा कहती है पूरे रास्ते कभी अब्बास को देख के रोती है। कहती अब्बास आंखें खोलो, तुझे मेरी चादर पे बड़ा नाज था। फिर अब्बास का मर्जिया पढ़ते थे, कभी कहती थी कूफे वालों अगर तूने रसूल की ज्यारत करनी है मेरे अकबर के चेहरे को देखो। कभी अली अकबर का मर्जिया पढ़ते, लेकिन पूरे सफर में जैनब ने बच्चों के लिए कोई नोहा नहीं पढ़ा। काफिला शाम पहुंचा, रावी कहता है जिंदा ने शाम में कटी हुई गर्दन लाए गए। हुसैन का सर आया, जैनब ने अपनी गोद में लिया। अकबर का सर आया, अकबर की मां ने लिया। कासिम का सर आया, उम्मे फरमाने का मुझे दो मेरा यतीम बच्चा। अली असगर का सर आया, रुबाब ने गोदी में लिया। लेकिन फिजा कहती एक मर्तबा तो नन्ही कटी हुई गर्दन आए। जैनब कभी हुसैन पे रोए, कभी अकबर पे रोए। सर लाने वाला इंतजार में है, कोई आएगा सरों को लेगा, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। कहने लगा क्या इन सरों की मां मर गई है। कोई सर लेने के लिए क्यों नहीं आता। फिजा के बड़ी कम मुझे दो, ये मेरे बच्चे नन्नी नन्नी गर्दनों को गोदी में लिया। बीबी जैनब के करीब आए, कहने लगी आका दादी क्या बच्चों ने कोई गलती की है, क्या बच्चों से नाराज हो, सीने से क्यों नहीं लगाती। बीबी जैनब ने रोके का माफिजा मैं अली की बेटी हूं, मैं जैनब जैनब जो एक मर्तबा दे फिर वापस नहीं लेते। मैं कुर्बान बीबी जैनब की मजलूमियत को। काफिला करबला पहुंचा, हुसैन के लिए जैनब ने मातम किया। नहरे फरात पे अब्बास के लिए गिरिया किया। काफिला मदीने पहुंचा, रोके कहने लगी मदीने वालों जैनब जड़ गई, मेरा हुसैन मर गया, मेरा अकबर मर गया। कमर बनी हाशिम अब्बास मर गए, लेकिन जैनब ने बच्चों का नाम न लिया। एक मर्तबा का सज्जाद मेरे लाना के रोजे पे जाना चाहती हो। अब रिवायत के जुमले बड़े सख्त है, सज्जाद में अकेली जाऊंगे जी पुफी अम्मा। एक मर्तबा नाना के रोजे में गए, बड़ी हसरत से नाना की कब्र को देखने लगे। रोके कहने लगी नाना नाना बड़ी दूर से आई हो, लंबे सफर से आई हो, नाना पूछोगे नहीं जैनब क्या लाई हो, ये
कहना था आगे बढ़े, कलाइयों से कपड़ा हटाया, सर से चादर उतारी। माना तेरी उम्मत ने बड़ा अज्र अदा किया, माना मेरी कलाइयां देखो, सिमर ने तालियां ने मारे, ओ नाना मेरी चादर छीन गई, नाना मेरा हुसैन मार गया। नाना नाना मेरी चादर छीनी गई, लेकिन ज़ैनब ने बच्चों का नाम न लिया। फिजा कहती है नाना के रोजे से निकली सीधा जन्नतुल बकी, अम्मा की कब्र पे गए। ज़ैनब ने कोई लंबे मसाइब नहीं पड़े, एक मर्तबा खून भरा कुर्ता निकाला, कब्र जहरा में जुलझुलाया, ज़ैनब कुर्ता हटा, इतना सुनना था अम्मा तूने कुर्ता बर्दाश्त न किया। अम्मा मैंने 70 कदमों से ज़ैन के सीने पे ओ गले पे छुरी चलते हुए, अम्मा ज़ैनब के दिल से पूछो तेरी ज़ैनब में क्या गुजरे। किसी खातून ने कहा बीबी ज़ैनब अब्दुल्ला बुला रहे, अब मैं अपनी माँ बहनों को कुछ कहना चाहता हूँ। ज़ैनब एक माँ है, जब सुना अब्दुल्ला बुला रहे हैं अल्लाह जाने क्या सोच के घर जाने लगे। सोच रही होंगी अब्दुल्ला पूछेंगे ज़ैनब मेरे ओला मोहम्मद, जैसे घर का दरवाजा खोला अब्दुल्ला सहन में बैठे थे, निगाह बीबी ज़ैनब पे पड़े, कहने लगे बूढ़ी खातून रुक जा, मेरी बीवी घर पे नहीं है। ज़ैनब का कलेजा फटा, अब्दुल्ला तूने नहीं पहचाना, या ना ज़ैनब ओ मेरा हुसैन मारा गया, ओ मेरा अब्बास मारा गया। अब्दुल्ला मैं उजर गए, अब मैं आपसे पूछूंगा आप मुझे जवाब दीजिए। ज़ैनब जब अपने घर में गए, निगाह घर के सहन पे पड़ी, अचानक ज़ैनब को याद आया कभी दो बच्चे यहाँ खेला करते थे। ज़ैनब के सीने में भी माँ का दिल एक मर्तबा के बड़े, बच्चों का कमरा खोला, क्या देखा तो नन्हे से मुसल्ले, मुसल्लों को सीने से लगाया, रोकेगा मेरे बच्चों अब ज़ैनब का दिल नहीं लगता। आए खुदा जवान मोहम्मद न रहे, अब ज़ैनब को भी उठा ले। आए खुदा जब मेरा हुसैन न रहा तो ज़ैनब जिंदा रह के क्या करेंगे। आए खुदा इन अज़ादारों को ज़ैनब के रोज़े की ज़ियारत नसीब करो,
इन रोती हुई आंखों को नन्ही सी कब्र सकीना की ज़ियारत नसीब करो, इन नज़ादारों को करबला हुसैन की ज़ियारत नसीब करो। तब तक मौत न देना जब तक गुनाहों से माफी नहीं मांगते, ऐ खुदा कब्र कयामत में शफात हुसैन नसीब फरमा, बरज़ख में शफात हुसैन नसीब फरमा। ऐ खुदा हम सब के घरों पर अपनी रहमतों को बरकतों को नाजिल फरमा, जो मांगा नहीं मांगा खजाने कुदरत से नसीब फरमा। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء।